नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज यानी 10 अप्रैल से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में 18 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 टीका के प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। बता दें, शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका ऐलान किया था। मंत्रालय ने कहा था कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सभी लोग जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लग चुकी है या 9 महीने हो गए हैं, वे प्रिकॉशन डोज के योग्य हो जाएंगे। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि करीब 2 करोड़ प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लग चुकी है, जबकि 12 से 14 साल की उम्र के 45% बच्चों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के दिन गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और फरियादियों की फरियाद सुनी। रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूदा अधिकारियों को जमीन की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने का आदेश भी दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वे सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव से रुकने ना पाए। रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि और बता दें कि पुष्य नक्षत्र पर रामनवमी का पर्व होता है। आज इसी रामनवमी का पर्व पूरी यूपी के लोग धूमधाम से मना रहे हैं। बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आरोग्य मेले के शुभारंभ करने पहुंचे। यहाँ पर वे एक नन्ही सी बच्ची को भोजन कराते भी नजर आए, जिसकी तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। आज के दिन कन्याओं को भोजन कराने बेहद ही पुनीत का कार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने महाराजा दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी महारानी कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में 7वां अवतार लिया था। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए शनिवार शाम 4 बजे तक मतदान पूरा हो गया। बता दें, चुनाव परिणाम की घोषणा 12 अप्रैल को हो जाएगी। वहीं शनिवार को 27 स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ। बता दें, ज्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला। स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 27 सीटों के लिए शनिवार को हुए मतदान में करीब 98% मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं रायबरेली में सर्वाधिक 99% लोग, गोरखपुर महाराजगंज पर सबसे कम 96% मतदाताओं ने मतदान किया। पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोग साल में एक बार अष्टमी और रामनवमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बता दें, रामनवमी का त्यौहार यूं तो भगवान राम को आदर्श पुरुष के तौर पर मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों को खंगाले तो यही सीख मिलती है कि एक पुरुष का चरित्र भगवान राम की तरह होना चाहिए। इस दिन श्रद्धालु भगवान राम के लिए व्रत रखते हैं और साथ में भगवान राम को याद करते हैं। रामनवमी के दिन ही चैत्र की नवरात्रि का समापन भी होता है। यही वजह है कि आज सुबह से ही बिजनौर से सटे श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिरों के पुजारी की माने तो काली माता के मंदिर के नाम से मशहूर ये मंदिर 200 साल पुराना है, जिसकी मान्यता है कि यहां पर कोई भी श्रद्धालु की मुराद खाली नहीं जाती है, बल्कि हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। बता दें, यहां से सुबह से ही रामनवमी चैती आटे का मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, जिनकी मनोकामनाएं यहां पर पूरी होती है। तो आज रामनवमी का पर्व है और ऐसे में आप मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर जो है ये चैती आठे का विशेष पर्व मंदिर पर मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर चैती आठे का मेला लगता है, जिसके अंदर कम से कम 3-4 लाख आदमियों ने कल माँ के दर्शन किए हैं। आज रामनवमी का त्यौहार है और नवमी के दिन जो है माँ के ऊपर फाइनल सब लोगों ने पूजन किए हैं। अष्टमी के व्रत रखने के बाद जी तो बच्चों को कन्याओं को भोग लगा रहे हैं और माँ के दर्शन कर अपने मुरादें पूरी कर रहे हैं। वही कुशीनगर के पडरौना नगर के दुर्गा मंदिर में है महाशक्ति जागरण द्वारा महाभगवंती विशाल जागरण का आयोजन किया गया। तो वही गायक अनीश सोनी के भजनों पर पूरी रात श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस मौके पर जागरण में पहुंचे विधायक मनीष जायसवाल ने कलाकारों को चुनरी उड़ाकर सम्मानित किया।
वहीं नैनीताल के सुदूरवर्ती बेताल घाट में विधायक सरिता आर्या ने अधिकारियों और क्षेत्रीय जनता के साथ कैंप लगाकर तीव्र गति से कार्यों को निपटाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कई क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याओं से विधायक सरिता आर्या को अवगत कराया। वहीं इस मौके पर क्षेत्रवासी और अधिकारियों के बीच बहस भी दिखाई दी। बता दें, इस अवसर पर विधायक सरिता ने कहा कि जो भी क्षेत्रवासी की समस्या सुनेगा और जल्द निपटारा करेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। उस संबंध में भी माननीय SDM साहब ने आश्वास किया हुआ है कि 15 दिन के अंदर यहाँ पर हम लोग एक ये यहाँ परमानेंट आधार कार्ड बनवाने के लिए मैं किसी को भेज दूँगा और एक यहाँ कैंप भी लगवाऊँगा। मैं SDM साहब का आभार प्रकट करती हूँ और एक हमारे प्रधान संगठनों ने आवाज़ उठाई कि हम लोगों के जो खसरा खतौनी है उसमें कईयों के नाम गलत, उसके लिए भी मैंने SDM साहब से कहा कि उसमें भी आप लोग काम करिए जिससे कि हमारे लोगों का नाम जो गलत चढ़ रहा है तो ठीक हो सके। SDM साहब ने कहा कि अगर ज्वलन समस्याएं होंगी तो उसमें उनको एक सूट दायर करना पड़ेगा। ऋषिकेश में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जयंत झील का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द झील को विकसित करने के निर्देश दिए। बता दें, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अचानक संजय झील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को झील विकसित कराने को लेकर फीडबैक दिया। मौके पर उन्होंने सबसे पहले झील के पानी का अचामन किया। इससे पर्यटन की दृष्टि से ऋषिकेश की पहचान बताया जाता है। देखिए, आज मुझे बड़ा संतोष है कि जो संजय झील कभी हम बहुत पहले सुनते थे इसकी सुंदरता के बारे में, इसका डेवलप करने की बात कई बार आई लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दौरान यानी पिछले कार्यकाल में लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यहाँ बैठ के लगातार मेरे द्वारा ली गई और उसमें परिणाम आज भी दिखाई दे रहा है। 75 लाख + 10 लाख यानी 85 लाख रुपये यहाँ के लिए और जिस प्रकार से आज मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया तो इतना सुंदर अंदर है, कैसी सुंदरता उसके अंदर है, ये पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो 40 लाख रुपया अभी वन विभाग के खाते में आया है जिससे यहाँ बेंच लग गई हैं, जगह जगह जाल लग गए हैं और पैच यानी कि जो ट्रैक है उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। वही कन्नौज में स्वास्थ्य मेले के लिए CMO एक्शन मोड में दिखाई दिए। बता दें कि स्वास्थ्य मेले में लापरवाही ना करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। CMO डॉक्टर विनोद कुमार बोले कि आम मरीजों के लिए एक छत के नीचे सभी इलाज किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम खुद मेले स्थलों की निगरानी कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल ने आम व्यक्ति के पहले से ही कमर तोड़ दी है। अपने घर खर्च को मैनेज करने के लिए गरीब व्यक्ति दो पहिया वाहन चलाने की अपेक्षा साइकिल पर उतर आया है, लेकिन महंगाई ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। अब महंगाई की मार गरीब व्यक्ति की थाली पर पड़ रही है। जी हाँ, गरीबी को थाली में अक्सर हरी सब्जियां देखने को मिलती है, लेकिन महंगाई के चलते अब ये सब्जी भी गायब होने लगती है। व्यक्ति आलू प्याज से ही गुजारा कर रहा है। बता दें, सब्जी व्यापारियों का कहना है कि थोक बाजार में सब्जियों के दाम आसमान पर है, सब्जियां पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही हैं, जिसके चलते महंगाई हो रही है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि इस सब्जियों को दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है। वही संभल के SP विधायक इकबाल महमूद ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, मतदान को लेकर पूछे गए सवाल पर संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अंदर बढ़िया है, बाहर उतनी ही जुल्म हो रही है। विधान परिषद चुनाव में जुल्म हुआ, खासकर मुसलमान प्रधानों के साथ जुल्म किया गया, साथ ही उनको जबरदस्ती पकड़कर वोट डलवाया गया। वही BJP ने 80 से 20 का नारा दिया था, अब 20 सालों में भी BJP नहीं छोड़ पा रही है। अखिलेश यादव के धमकाने के बयान पर कहा कि यह बयान सही है, अंदर जाकर फोटो खींच लो, तो यूपी में काम नहीं हो रहा है। पुलिस के हाथों में बुलडोजर दे दिया गया, लेकिन यूपी में अब भी माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। मतदान करके आए हैं, मतदान के अंदर की व्यवस्था तो अच्छी है, मतदान के अंदर की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, मगर मतदान केंद्र से बाहर जो सरकार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जितना भी जुल्म कर सकते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को वोटरों को कर, आप देख लीजिए, जाके ज़बरदस्ती उनसे ये कहा तुम्हारी प्रधानी छीन ली जाएगी, तुमसे कोटा ले लिया जाएगा, तुमसे ये कर दिया जाएगा, फौज दबाव के हिसाब से काम कर रहे हैं। सरकारें
आती जाती रहती है। अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था कि प्रधानों के सबको धमकाया जा रहा था, तो क्या उनका आरोप सही है? जाके बिल्कुल सही है, जाके फोटो खींच लो जाके। अभी 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 अब इलेक्शन हुआ है, ये बीजेपी वाले सपा ये बीजेपी वाले खुद ही कहा करते थे कि 80-20 का चुनाव है। वही उधमसिंह नगर के सीमांत खटीना के सुरई वन क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के परिसर में वन कर्मियों को बाघों के आलंकन के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से नई तकनीकी की जानकारी दी गई। बता दें जहां वन जीव संस्थान देहरादून से वन जीव विज्ञानी अंदिति का ऋतु के ने भागों के आकलन को लेकर नई तकनीकी के बारे में आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दी। वहीं हल्द्वानी के वन्य जीव विज्ञानी जयप्रताप ने भी नई तकनीकी के उद्देश्य और फायदे के बारे में भी वन कर्मियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। भारतीय बाघ आकलन की संबंधी प्रशिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें MS टाइप्स जो नई तकनीक है उसका उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे समस्त तीन सबडिवीजन हमारा जो खटीमा सबडिवीजन है इसका पूरा तीनों रेंजों का स्टाफ यहाँ आया हुआ है, और इसमें हमारे नए फौजदार भी हैं जो एकदम नए भर्ती हुए हैं, उनके लिए विशेषकर लाभकारी होगा। नई तकनीक के इस्तेमाल से सटीक आंकड़े आएंगे, और उससे बाघ गणना जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है, और हमारे देश में जितने बाघ हैं वनों की स्थिति के बारे में भी इससे पता चलेगा। वही संभल के सपा विधायक शफीकुल रहमान बर्ग ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। बता दें उन्होंने कहा कि सरकार के काम से हम संतुष्ट नहीं है। साथ ही सांसद ने कहा कि मुसलमानों का कोई काम सरकार नहीं कर रही है, जिसके बाद सांसद शफीकुल रहमान बर्ग का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं वो? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे पूरी ये समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। तो चलिए खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।